टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। नगर निगम मेरठ के ठेकेदार दिवेश अग्रवाल द्वारा की गई आत्महत्या का मामला यूपी की विधानसभा तक पहुंच गया है। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि नगर निगम व पंचायतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कमीशन न देने के कारण ठेकेदार दिवेश अग्रवाल का 7 करोड़ रुपए का भुगतान रोका रखा गया, जिस कारण उसे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। विधायक ने नगर निगम व पंचायतों में 40% कमीशन मांगने के आरोप भी विधानसभा में लगाए। इस बीच गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के खिलाफ उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए बाध्य करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। दरअसल गंगानगर निवासी दिवेश अग्रवाल का करीब 7 करोड़ रुपए नगर निगम पर बकाया है। वे अपने मामा की मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते थे। बीते मंगलवार को दिवेश ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। परिजनों का आरोप है कि 7 करोड़ रुपए का भुगतान न होने व लगातार देनदारों के दबाव के चलते ठेकेदार ने यह कदम उठाया है। पहले सुनिए विधानसभा में क्या कहा सरधना विधायक अतुल प्रधान ने। सालों से पैसा नहीं मिला था कमीशन ना देने की वजह से। उस ठेकेदार ने कल 28 तारीख को फांसी लगा ली, फांसी, और फांसी लगाकर बेचारा वो ठेकेदार अपनी जान दे गया, मौत के आगोश में चला गया। वहां के ईओ हो, किसी नगर पंचायत के ईओ हो, चाहे आपके किसी शहर के नगर आयुक्त हो, आप पता कर लीजिए मान्यवर किस तरह की वसूली चल रही है। कामों के नाम पर जब आपको पैसा देने की बात आती है तो 40% तक कमीशन मांगा जाता है। जितने विधायक बन बैठे होंगे सबकी नगर पंचायतें हैं, सब लोग नगर निगम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात को आप जांच करवा लीजिए और जांच करवाकर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। और कितना उत्पीड़न है हमारे मेरठ नगर निगम में। 2 लोगों ने मान्यवर फांसी खाई है, उनका परिवार भिड़क रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चीज को जरूर दिखवा ले। इस बीच आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष पवन गुर्जर ने कहा कि नगर आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए क्या कहा है पवन गुर्जर ने। मैं पवन गुर्जर, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मेरठ। आपने देखा होगा अभी यहाँ जो नगर आयुक्त बैठा है वो पूरी तरह से अपने आप को हिटलर समझ के बैठा है। उसने ठेकेदारों की ऐसी हालत कर दी, एक ठेकेदार ब्रेन हेमरेज से मर गया, एक ने कल परसों अभी सुसाइड कर लिया, उसका भी हमने अलग ज्ञापन बनाया है। उसकी हमने मांग करी है कि नगर आयुक्त पर उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे को अपने बाप का पैसा समझ के बैठ गए हैं और उस पैसे से ना विकास करना चाहते हैं ना जनता के बीच कोई सुविधा देना चाहते हैं। इन सभी मांगों को लेकर के आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ज्ञापन दे रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।